यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक और मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। भारत की पहचान कहे जाने वाले योग का पर्व आज दुनिया भर में मनाया गया है और चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उत्तराखंड के देहरादून में योग किया है और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ करीबन 55,000 लोग मौजूद थे। इसके अलावा देश भर में कई जगह केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, खिलाड़ी, जवान समेत दूसरी हस्तियों ने योग के कार्यक्रमों में शिरकत की है। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी राजस्थान के कोटा में करीबन 2,00,000 से ज्यादा लोगों के साथ योग कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। और योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने यह कहा कि आज की आपाधापी में योग व्यक्ति के जीवन में शांति की अनुभूति कराता है। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। योग आज दुनिया की सबसे पावरफुल यूनिफाइंग फोर्सेस में से एक बन गया है और हमारे दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कि हार्ट की बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे में योग उन बीमारियों को दूर करने में भी मदद करता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योग के चलते दुनिया आज इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ रही है। ये हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि आज जहां जहां उगते सूरज के साथ जैसे जैसे सूरज अपनी यात्रा करेगा, सूरज की किरणें पहुंच रही हैं, प्रकाश का विस्तार हो रहा है दुनिया के हर उस भूभाग में, वहां लोग योग से सूर्य का स्वागत कर रहे हैं। हर जीवन को समृद्ध कर रहा है। जब तोड़ने वाली ताकतें हावी होती हैं तो बिखराव आता है, व्यक्तियों के, समाज के बीच, राष्ट्रों के बीच बिखराव आता है। समाज में दीवारें खड़ी होती हैं, परिवार में कलह बढ़ता है और यहां तक कि व्यक्ति खुद ही अंदर से टूटता, टुकड़ों में बिखरता और जीवन में तनाव बढ़ता चला जाता है। इस बिखराव के बीच योग जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। आज की आपाधापी और तेज भागती जिंदगी में योग मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा को जोड़कर व्यक्ति के जीवन में एक शांति की अनुभूति कराता है। व्यक्ति को परिवार से जोड़कर परिवार में खुशहाली बढ़ाता है, परिवार को समाज के प्रति संवेदनशील कर समाज में सद्भाव बढ़ाता है, समाज राष्ट्र की एकता के सूत्र बनते हैं और ऐसे राष्ट्र विश्व में शांति और सौहार्द लाते हैं। जब यूनाइटेड नेशंस में योग के लिए प्रस्ताव रखा और यह यूनाइटेड नेशंस का रिकॉर्ड है, यह पहला ऐसा प्रस्ताव था जिसको दुनिया के सर्वाधिक देशों ने को-स्पॉन्सर किया। यह पहला ऐसा प्रस्ताव था जो यूएन के इतिहास में सबसे कम समय में स्वीकृत हुआ और ये योग आज विश्व का हर नागरिक, विश्व का हर देश योग को अपना मानने लगा है। तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को आपने सुना, उनकी बातों से स्वास्थ्य पर उनका खासा जोर जो है लगता है, स्वस्थ भारत अभियान को भी प्रधानमंत्री इसे स्वास्थ्य से जोड़ा और कहा कि साफ सफाई होने से बीमार होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। उसके बाद सरकार ने गरीब लोगों के लिए सस्ती दवा की दुकानें भी खोली, हार्ट के स्टंट लगाने और घुटने के प्रत्यारोपण के लिए भी कीमतों की लिमिट तय कर दी गई थी। इसके साथ ही 2018-19 का बजट पेश करने के दौरान आयुष्मान भारत या मोदी केयर पॉलिसी का भी ऐलान हुआ, जिसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देना प्रस्तावित है। तो वहीं इसके साथ ही खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की ओर से हम फिट तो इंडिया फिट अभियान को भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही भारत सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना, जिसके तहत तकरीबन 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि तकरीबन 5 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। सरकार का यह भी दावा है कि इस योजना से कई परिवारों को और महिलाओं को सरकार बीमार होने से बचाने का काम कर रही है। ऐसे में मोदी सरकार स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग दिखती है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सरकार की ओर से देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की बात कही जाती है। केंद्र की मोदी सरकार लगातार ऐसी योजनाएं जो है लेकर सामने आती है जो सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हों। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य जो है भारत में सुधारने की कोशिश है, योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से स्वस्थ और निरोगी काया जो है एक मकसद इसका बताया जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह की बातें कही जा रही है, क्या उसका वाकई में इस तरह का असर दिख रहा है, क्या वाकई में मोदी सरकार स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। हमारे साथ एक विशेष स्टूडियो में मौजूद है, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीलम चौधरी हैं, इसके साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बाल मुकुंद शर्मा जी हैं, इनेलो का पक्ष रखेंगे रविंद्र ढुल जी, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आनंद सनवारिया साहब हैं, और इसके अलावा हमारे साथ योग विशेषज्ञ सूरत वालिया जी भी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और साथ ही सबसे पहले रविंद्र ढुल साहब, आपके पास आते हुए योग किया आपने आज? नहीं, वैसे करना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत, लेकिन कई बार समय की किल्लत के कारण नहीं कर पाते हैं, ये हमारी गलती है। हमें करना चाहिए और सबको करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इस जगह पर मैं प्रधानमंत्री की बात से सहमत हूँ, लेकिन जहाँ पर समस्या आती है वो आती है इसको पोलिटिसाइज करके, इसको एक प्रकार से क्रेडिट लेना, जैसे योग को इन्होंने स्थापित किया है पूरे भारत के अंदर। ये मैं मानता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव गया था यूएन में, एक अच्छा प्रस्ताव गया था जिसके ऊपर यूएन ने मोहर लगाई। आज पूरे विश्व के अंदर, आज 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दिक्कत आती है जब इसे एक पॉलिटिकल इवेंट बना करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं को आगे करके उन्हीं के द्वारा ये करना, प्रायोजित करवाया जाना, इन्हीं की संस्थाओं को ये क्यों ना करें, क्योंकि कोशिश तो की है ना, मोदी सरकार ने कोशिश की है, बिल्कुल की है, कोई नहीं कोशिश मोदी सरकार ने कुछ नहीं की। मैं आपको बता दूं, योग को स्थापित करने के लिए मोदी सरकार ने कोशिश नहीं की, योग तो लाखों साल पुराना है, प्रधानमंत्री खुद इस बात को कहते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री, हाँ, पहचान की भी कोई कमी नहीं है। ये भी गलत फहमी है कि योग को अंतरराष्ट्रीय पहचान मोदी जी ने दिलवाई है, ये मोदी जी की गलत फहमी है, ये भाजपा की गलत फहमी है। हाँ, इसको एक आधिकारिक दिवस योग कर रहे हैं, देखिए योग पहले से कर रहे थे, बात समझिए इस बात को, राजनीतिक चश्मे से नहीं, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ मेरी बात को समझिए, पहचान नरेंद्र मोदी ने नहीं दिलवाई। हाँ, ये सही है कि इसे आधिकारिक रूप से विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का जो श्रेय जाता है वो केंद्र सरकार को जाता है, लेकिन मैं कतई इस बात के खिलाफ हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जो है पहचान मोदी जी ने पहचान नहीं दिलवाई, ये आप कह रहे हैं। जी, देखिए कमल जी, योग जो है बेसिकली है अपनी मनोवृत्ति पर कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना, ये योग का सही मतलब है। और एंशियंट टाइम से ही हमारे यहाँ बहुत अच्छे योगी रहे हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें अपनी जीवन में भी अपनाई हैं। इवन आप जानते होंगे राजा जनक जो थे वो तो अपने शरीर को छोड़ के भी बाहर चले जाते, तो इस तरह से अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। अभी जो है जो योगासन, मतलब अपने शरीर की कुछ क्रियाएँ करके अपने शरीर को और ज़्यादा स्वस्थ बनाना, इसको हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाए और उसको हमें मान्यता भी मिली है, और ये हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है बेसिकली योगा, हमें हमेशा से आ रही थी। अब एक्चुअली क्या है, एक ऐसा समय आ गया जब विदेशी हमें सिखा रहे थे कि योगा क्या होता है, तो ऐसे समय में हमें अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्थापित करना बहुत जरूरी था। लेकिन आरोप ये लगते हैं कि योग दिवस के जरिए पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये नीतीश कुमार ने कहा था।
जो देखिए बहुत लोग इसको ना पॉलिटिक्स के साथ जोड़ के रखते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए जो योगा है, हम बहुत सारे इंटरनेशनल डेज मनाते हैं, हम देश में भी मनाते हैं। अब योगा को ये कह सकते हैं कि ये हेल्थ डे है या हेल्थ फेस्टिवल है, आप इसको इस तरह से देखें। हाँ, कुछ चीजें कुछ समाज में सुधार लाने के लिए, लोगों की सेहत अच्छी बनाने के लिए कई बार पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है। आप इसको एक सोशल पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन कह सकते हैं कि जो भाजपा सरकार लाई है। जी, आप सोशल पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की बात की आप कह रही हैं और साथ ही कह रही हैं कि एक कोशिश है जो है स्वास्थ्य को लेकर जो है सरकार सजग है, लेकिन जो ढुल साहब ने एक बात कही कि इसमें बीजेपी के नेताओं को ही आगे रखा जाता है, यानी विपक्ष से दूसरी पार्टियों से कोई संपर्क नहीं किया जाता है, उनको आगे नहीं लाने की कोशिश की जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, योगा तो सबके लिए है और उनको भी आना चाहिए। एक चीज है, योगा में ना दो तरह के योग होते हैं, एक होता है सहज योग, एक होता है हठ योग। सहज योग मतलब कोई भी आसानी से कहीं पर बैठकर भी कोई भी क्रिया करके अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, और एक होता है हठ योग जिसमें जिद्दीपन होता है, आपको हमेशा पोजीशन में ही बैठना, हमेशा जो है आपको बिल्कुल एक अलग एनवायरनमेंट में जाके बैठना। तो आजकल हालात क्या है कि योग के बारे में सरकार तो सहज योग से काम कर रही है, लेकिन विपक्ष क्योंकि वो मानता नहीं है, वो हठ योग से काम ले रहा है। क्या ये विपक्ष का हठ योग है? नहीं, आप ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी नहीं चाहती कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की कोई भूमिका रहे? नहीं, आप आए ना, आप भी करें योग, किसने मना दिया है? कहां है, आप सुनिए ना मैडम जी, तो आप करें अपने राज्य स्तर पर करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें। विधायक का दर्जा मुख्य सचिव से ऊपर का होता है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रोटोकॉल के हिसाब से। क्या आपने कोई पत्र प्रेषित किया किसी विधायक को? नहीं, राजनीति उस पर 15 अगस्त के लिए क्या लेटर इशू करते हैं? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल आधिकारिक इन्विटेशन जाता है। गलत बात मत करें, आधिकारिक इन्विटेशन जाता है। बालमुकुंद शर्मा जी, आयोग पर राजनीति करना ठीक है क्या? वही तो राजनीति है। कमल जी, ये मुझसे ये कर रहे हैं राजनीति, क्या कर रहे हैं आप? ये बताइए, इनका स्वागत कर रहे हैं आप? ये बताइए, मैं प्रवक्ता के तौर पर भी और एक नागरिक के तौर पर भी ये कहता हूं कि योग सदियों से 10,000 साल का तो नीलम जी ने जिक्र किया, राजा जनक शरीर को छोड़ के बाहर चले जाते थे, तो ये योग के ठेकेदार कहां से बन गए? देश के मैं बताता हूँ आपको, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये चीजें नहीं चलती जो ये चलाना चाहते आज योगा के साथ। क्या पॉलिटिक्स आप बताएं ना, ये पॉलिटिक्स आपको बताना। आपने विपक्ष के नेता को निमंत्रण दिया कि आप आइए, चलिए आप आज ना करें कल कर ले, 22 को कर ले, 23 को कर ले, योगा तो योगा है। 24 आप ये बताइए, प्रधानमंत्री इस बात का ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं? अगर आज प्रधानमंत्री ने देहरादून में योगा किया, उन्होंने पंजाब में जाके योगा क्यों नहीं किया? नहीं, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, अगर पंजाब इतना बड़ा दल दिखाना था, पंजाब में जाके योगा क्यों कर दिया? आप ये बताइए, अगर आपकी याददाश्त ठीक हो, निगम जी आपकी याददाश्त ठीक हो, 4/4 योगा डे है, प्रधानमंत्री ने कहां कहां जाके योगा किया? चंडीगढ़ में किसकी सरकार थी? दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी। आप कर रहे हैं ना पॉलिटिक्स, राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति आप कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप देखिए ना, बचे आपको आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति, राजनीति ये लोग कर रहे हैं, राजनीति ये लोग, आप हमारे साथ ट्रेडमार्क लगाना चाहते हैं बीजेपी योग दिवस पर और योग पर। कंवल जी, मैं एक डॉक्टर होने के नाते और ये इच्छा रखते हुए कि मेरा देश सेहतमंद हो, स्वस्थ हो, क्योंकि किसी भी देश की प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब वो स्वस्थ रहे, ये विडंबना है कि मेरे साथ में ये पॉलिटिकल रहनुमा यहाँ बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, एक बहुत बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक को वो इनविटेशन लेवल तक लेकर के आ गए। मैं आपका ध्यान दिला देना चाह रहा हूँ, आपने शायद कम्प्लीमेंट किया और आप तो एज एंकर कर सकते हैं, शायद अगर नीलम बहन करेगी तो उसको भी अन्यथा ले लेंगे। 90 मैं WHO का मेंबर रहा हूँ, वहां पे एक भी प्रस्ताव पास कराने के लिए बहुत जिद्दोजहद और सालों सालों निकल जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा भारतवर्ष में,
भारतवर्ष के नेता में जिसने कि 90 दिन में तो उस चीज इंटरनेशनल उसको रिकॉग्निशन दिलाया। आपको खुशी होगी आज 198 लोगों ने 98 कंट्रीज ने आज योग किया है। तो मैं इन भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि उस जो पॉलिटिक्स नेरो पॉलिटिक्स छोड़ करके उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करें और भारत वर्ष को और योगा जिसको क्या बीजेपी प्रवक्ता हो गया। नहीं मैं प्रवक्ता है ही है क्या है क्या नहीं है। अब देखिए अधिकारी प्रवक्ता अगर बीजेपी अधिकारी भाजपा प्रवक्ता है शर्मा जी सुनिए सुनिए अधिकारी भाजपा प्रवक्ता है जी मेरे पे आक्षेप लगा रहे मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ अधिकारी प्रवक्ता। खुशी हो रही है की 198 लोगों में उस बहन के मेंबर तो इतने सारे हो गए हैं आपको तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा बीजेपी के इतने मेंबर मुश्किल नहीं है। क्या बात कर रहा है क्या एक ही दिवस है क्या और एक ये कहना चाह रहा हूं कि शायद को ब्लॉक करके सरकारी फैसले सुनिए बंद बुजुर्ग बना रहे हैं। आप होली दिवाली आप रोज मनाते हैं क्या दिवस है सर एक अगर दिवस है तो क्या दिवस है किसी तो मना रहे हैं जरूरी है मोदी जी के साथ बैठे हैं हम साथ बैठे हैं जरूरी है मोदी जी के साथ बैठे हैं कोई आवश्यक नहीं है। मैं अपने घर में योग कर सकता हूँ क्या मैं दिवाली भी जाकर के बस स्टैंड पे या किसी पब्लिक प्लेस में मिलाता हूँ अपने घर में मनाता हूँ। मैं अगर कर सकता हूँ मैं करूंगा। मैंने कहा कि मैं असमर्थ हूँ मैं नहीं कर पाया लेकिन मुझे करना चाहिए। ये होते क्यों नहीं है कहने वाले की विपक्ष की वो विपक्ष नहीं है। एक बात सुनवारे साहब की ओर से कही गई थी कि किसी भी देश को अगर जो है आगे बढ़ना है तो उसका स्वास्थ्य जो है वो होना बहुत जरूरी है। इस पर मैं जवाब जरूर लूंगी लेकिन उससे पहले सूरत वाले साहब आपके पास आते हुए योग का महत्व जो है कितना जरूरी है योग करना सभी के लिए न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के लोग इसे अपना रहे हैं। आज देखिए योग जो है वो आदमी की मानसिक विकास के लिए शारीरिक विकास के लिए बौद्धिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। इसको तो हर व्यक्ति को नित्य प्रति करना चाहिए चाहे आधा घंटा करे चाहे एक घंटा करे। योग इतनी बेसिक चीज है और ये तो हमारे ऋषि मुनियों की देन है हमारे देश की देन है जो आज पूरी दुनिया तक पहुंची है जी। जिन लोगों ने इसको ऊपर उठाया खैर उनकी बात तो मैं नहीं अभी करूंगा। योग को नित्य प्रति करना ये तो मैं कहूंगा कि करना चाहिए। करीब करीब सभी सभी बीमारियों का जो है इससे निपटारा हो सकता है योग करेंगे तो सभी इससे बाबा रामदेव वाला योग या मोदी वाला योग इसमें फर्क है। वाले साहब एक जवाब शायद विपक्ष भी आपसे चाहता होगा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है क्या वाकई में इसकी जरूरत है क्या ये सही है पीएम मोदी जो कर रहे हैं जो सेलिब्रिटी कर रहे हैं पीएम मोदी को देखकर सभी लोग करते तो नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं 30 करोड़ लोगों ने किया है आज योग। देखिए प्रचार प्रसार की बिल्कुल जरूरत है जी। जिस प्रकार से और त्योहार मनाए जाते हैं और डेज मनाए जाते हैं उनको कितना प्रचारित प्रसारित किया जाता है वुमेंस डे और ये चाइल्ड डे और ये बाल दिवस और फला डे बाल दिवस बहुत से यानी जरूरी है प्रचार प्रसार। पिछले 4 साल में कितनी स्वीकार्यता लोगों के बीच में आपने देखी योग को लेकर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। पहले कुछ 100 लोग आया करते थे योग करने के लिए हजारों लोगों ने किया। चलिए आपने एक चीज और कही कि लगभग हर एक बीमारी का जो है इलाज इससे हो सकता है। मैं कह रहा हूं सिर से लेकर पांव तक। नीलम चौधरी जी सरकार की ओर से क्या सिर्फ योग के माध्यम से ही स्वस्थ लोगों को रखने का संदेश दिया जाएगा या सरकार की ओर से जो है कितना खर्च यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो वो कितनी की जा रही है वो कितनी दुरुस्त की जा रही है सरकार की ओर से। अवंतिका देखो स्वास्थ्य हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जब एक गरीब आदमी बीमार होता है ना उसका सारा पैसा उस पर खर्च हो जाता है वो जितना भी कमाता है सारा का सारा उसके ऊपर निकल जाता है तो उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम एक ईज ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं। नहीं योगा तो है ही है योगा जो है वो मानसिक और शारीरिक दोनों के लिए जरूरी है। उसमें अमीर गरीब सबके लिए अपोजिशन पावर में जो भी है सब कर सकते हैं वो तो एक चीज है वो एक वे ऑफ लिविंग है जिसको कि हम इंप्रूव कर रहे हैं। दूसरा जो है कि उनकी सेहत का जैसे हम अभी बात कर रहे थे नेचुरली उनको बहुत सस्ते दर पर दवाइयां भी दी जा रही थी बहुत सारे ऑपरेशन जैसे किडनी और स्टेंट डालने वाले 50% से भी कम उनके रेट हो गए हैं दवाइयां भी सस्ते में मिलती हैं। लेकिन उससे भी हमारी जो अच्छी स्कीम है जो ऑलरेडी मध्य प्रदेश से शुरू भी हो गई है वो है कि करीबन 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख का इंश्योरेंस बीमा जो दिया जाएगा उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना वो स्टेट और सेंटर दोनों देंगे। जस्ट अभी स्टार्ट किया गया है ठीक है लेकिन तो उसमें नीलम जी कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि 2015 में 1586.96 लाख रुपए खर्च होता है योग दिवस पर 2016 में भी 20 से 25 करोड़ खर्च होता है। दिक्कत यहाँ आती है विपक्ष यहाँ सवाल पूछता है जी। देखिए कोई भी अगर हम एक लार्ज स्केल पे कोई भी प्रोग्राम चलाना चाहते हैं नेचुरली उसमें खर्चा आता है लेकिन उसके जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो मैनीफोल्ड होते हैं वो कई गुना ज्यादा होते हैं। और अगर हमारा देश स्वस्थ होगा हमारे सारे बच्चे स्वस्थ होंगे तो ह्यूमन
पावर जो है के ऊपर सरकार की ओर से कितना प्रतिशत जीडीपी का खर्च किया जाता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। जी देखिए, इस बार अगर आप बजट दोबारा से देखें, ध्यान से देखें, तो पूरा जो हमारा आयुष्मान स्कीम है जिसमें कि हम करीबन 50 करोड़ आधी आबादी हमारे देश की जिसमें कि सारे गरीब लोग किसान लोग अंतरराष्ट्रीय उसको देख लेंगे, पैरामीटर्स के ऊपर देख लेंगे, 10% के आसपास भी मिलेगा हेल्थ का। 16 तो आता है ना, जो पैसा खर्च किया जाता है योग दिवस के मौके पर, इतना तो स्वास्थ्य सेवा पर भी, इतने में तो कई बहुत सारे हॉस्पिटल को फायदा हो। देखिए, बहुत सारे हॉस्पिटल खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक मैं आप भी बड़ा स्पष्ट रूप से कह दूं कि योग दिवस के मनाने में हमें दिक्कत नहीं है, योग दिवस मनाने के तरीके में हमें आपत्ति है। तरीके में किस तरह से? तरीका जिस तरह पहले तीन साल इन्होंने एक एनजीओ को पकड़ा दिया सारा का सारा प्रोग्राम, जिस प्रकार उसे पैसा दिया गया आपने वहां पर पैसा सारा का सारा ट्रांसफर करके टोटल। आप ये बताइए, क्या योग दिवस मनाने के लिए आपने निविदाएं मांगी थी कि भाई फलाना फलाना एनजीओ कोई संस्थाएं सामने आना चाहती है तो सरकार उन्हें टेंडर देना चाहती है अपनी अपनी मनमर्जी से? एक एनजीओ जिसने इनको जो है पिछली कैंपेन के अंदर सपोर्ट किया, 3 साल तक तो उसे उठाकर घूमते रहे, इस साल एकाएक गायब करके पता नहीं कौन सा इन्होंने उठा लिया। देखो, जो इनका खर्चा करने का तरीका है वो कतई मैं गलत मानता हूं। आप चीन से जाकर के योगा मैट लेकर के आए, क्या आप ये बताएंगे कि भारत के अंदर आपने कितने योगा मैट बनाए? एक तरफ आप अब ये कहते हैं कि हम चीन से चीजों का इंपोर्ट बंद करेंगे, हम स्वदेशी को प्रचारित करेंगे, स्वदेशी को प्रचारित करेंगे। मेक इन इंडिया क्या है मैडम? मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया क्या है? पहले बताइए मेक इन इंडिया क्या है? आप किसी भी प्रकार की पहले बताइए मेक इन इंडिया क्या है? आप ये बताइए मेक इन इंडिया क्या है? यू कैन नॉट कट माय वॉइस। चलिए डोल साहब, यू कैन नॉट कट माय वॉइस। मैडम बताइए, यू कैन नॉट कट माय वॉइस। आप क्यों मेरी वॉइस को बीच में काट रहे हैं? मैं जो बात कर रहा हूँ उसके पूरा करने दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेक इन इंडिया के तहत इन्होंने कहा कि हम जो है भारत के अंदर चीजें बनाएंगे। आपने करोड़ों रुपए का बजट केवल चीन से योगा मैट इंपोर्ट करने का रखा हुआ है, आपने क्यों नहीं स्वदेशी को प्रचारित किया? हमें आवश्यक नहीं है योगा मैट की, कोई आवश्यकता नहीं है। आप ग्रामीण हैंडलूम से दरी क्यों नहीं मंगाते? क्यों नहीं उन गरीबों को ये मौका देते कि हम योग के ग्रामीण दरी का उपयोग करेंगे? स्वास्थ्य सेवाओं में काम तो किया ना मोदी सरकार ने, कहां काम किया है? आयुष्मान भारत सर क्या काम किया बताइए? स्वागत है आपका। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि योग दिवस को लेकर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान दिलाए जाने की बात मोदी सरकार की ओर से कही जाती है, क्या बाकी स्वास्थ्य सेवाओं में भी इसी तरह से काम सरकार की ओर से किया जा रहा है या फिर नहीं, और नहीं तो फिर क्यों नहीं किया जा रहा है? ब्रेक से पहले ढुल साहब ने बात की थी कि फिजूल खर्ची जो है योग के नाम पर सरकार की ओर से की जा रही है, अगर इसको बेहतर सेवाओं में, स्वास्थ्य सेवाओं में इसको इस खर्च को डाला जाए तो कहीं ना कहीं फायदा जो है आम जन तक पहुंच सकता है। आपके पास आते हुए नीलम जी, कि अगर हम WHO की रिपोर्ट की बात करें जो 2017 की रिपोर्ट है स्वास्थ्य वित्त पोषण प्रोफाइल की, इससे पता चलता है कि भारत में स्वास्थ्य का कुल व्यय जो है वो 67.78% है, जो कि अगर हम बाकी बात कर ले हम दुनिया भर के औसत की तो वो औसत है 18.2%। यानी भारत में सबसे ज्यादा जो है लोगों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। जी देखिए, काफी समय से ये अभी की नहीं है, बहुत पहले से ही जो हमारा जो आम आदमी है उसको स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बहुत महंगी पड़ रही थी। मैंने आपको पहले कहा ना कि उसका बेचारे का सारा पैसा जो है वो अपनी दवाइयां खरीदने में ही खर्च हो जाता है। तो इसलिए जो गरीबी हटाओ के नारे बहुत लगे हैं, कितने गरीब पैदा हुए कब चले गए ये भी नहीं पता चला आज तक किसी को, तो इसलिए उनके स्तर पर जाकर उनके जीवन को ऊपर उठाना था ताकि वो एक स्वस्थ जीवन जिए और एक अच्छी जिंदगी जिए, तो उसके लिए हमारी शुरुआत थी। तो शुरुआत जो है वो शारीरिक और मानसिक दोनों चीजों को लेकर चलना होता है और सब साथ साथ चलती है। तो जो योगा है वो तो मैंने कि एक हमारा साथ में एक जो समाज में बदलाव का तरीका है, लेकिन जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का है, आप जानते हैं कि 800 से ज्यादा दवाएं मुफ्त मिलती हैं और अभी बहुत सारी जो बीमारियों के इलाज जो है वो काफी सस्ते रेट पर किए जाते हैं। इवन जैसे आपने अभी बताया भी, जो हार्ट स्टंट जो है वो सिर्फ 40,000 रुपए, जो पहले 2-2 लाख रुपए में डलता था उसकी लिमिट कम हो गई है। जो घुटने के जो घुटना बदलवाते हैं, एक जो बोन है जो रिप्लेस होती है, वो बहुत सस्ते करीबन 50% लेस में हो रहा है। तो बहुत सारे इलाज जिसमें गरीब व्यक्ति का बहुत पैसा खर्च हो जाता था वो सस्ते दरों पर हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स में मैडम आप कोशिश कर रहे हैं वो दिखाई क्यों नहीं देती? वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स में भी
188 देशों की बात करें 143वें स्थान पर है। हाँ, अफ्रीकी देशों से ज्यादा बुरा हाल भारत ज्यादा बुरा हाल है, ये मैं इस चीज को मानती हूँ। और ये चीजें एक दिन में नहीं आती, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का पिछला पूरा ट्रैक निकाल के देखें, बहुत ज्यादा खराब था। नहीं, 70 साल नहीं चाहिए, इसीलिए तो हम मल्टी लेवल्स पे काम कर रहे हैं, हम उसको शरीर से भी और मन से भी। और इसीलिए हमारी आयुष्मान सेवा है, हमारे अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों का सर उठाने के लिए प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनको भी उनके साथ कम्पीट में लाया जा रहा है। बहुत सारी मशीन जो पहले अवेलेबल नहीं थी, अब जो सरकारी अस्पताल में, पहले जो हीमोफीलिया का इलाज नहीं होता था वो भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, कैंसर का इलाज नहीं था वो भी अवेलेबल है अस्पतालों पर। जी, अब लोगों की पहुंच तक इलाज हो गया, लोग आसानी से जाकर इलाज करा सकते हैं, जो नीलम जी कह रहे हैं कि इतना बदलाव सरकार लेकर आई। ये जुमले एक बहुत लंबा, आप तो तारीफ कर रहे हैं, स्टंट से शुरू हुआ था इनका ये जुमला। मैं आपको बता दूं, मेरे एक बड़े परम मित्र हैं विजेंद्र सांगवान, एडवोकेट है दिल्ली हाईकोर्ट में, उन्होंने वो PIL डाली थी जिसके बाद जिसका सरकार ने विरोध किया था, उसमें PIL डालने के बाद में पूरे भारत के अंदर जो है स्टंट के दाम कम हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर। मूर्ख ये बनाते हैं कि सरकार ने अपने आप किया, गलत। अब हमारी हाईकोर्ट के अंदर नीलम जी बड़े अच्छे से परिचित है, लगभग 150 केसों का एक बैच चल रहा है, एक बहुत बड़ा एक कोर्ट के अंदर, जिसमें कि हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं को सस्ता बनाने के लिए सरकार से पिछले 2-2.5 साल से लगातार हाईकोर्ट जो है जवाब तलबी कर रही है। आपको हैरानी होगी यह बात जानकर के, सरकार वहां भी कहीं ना कहीं विरोध कर रही है और हॉस्पिटल के साथ में खड़ी है। तीसरी बात, कांग्रेस के समय में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का जो एक्ट आया था, मैं आपको बता दूं उस समय पर उन्होंने पास किया था, सरकार 3 साल की इन्होंने जो भी है नहीं पास हुआ है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता प्राइवेट सेक्टर्स के साथ जो, क्योंकि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता करने के लिए जो एक्ट को पार्लियामेंट पास करना चाहती थी भाजपा, उसे अभी तक ब्लॉक करके बैठी है। भाजपा ने ब्लॉक करके बैठी है, इन्होंने कहा भी पास नहीं हुआ चुका है वो, अरे फिर पास नहीं हुआ, आपने क्यों आगे पास नहीं हुआ चुका है, मुख्यमंत्री भी आज कहते नजर आए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, कि जो योग दिवस आज मना रहे हैं तो उसका श्रेय PM नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए, श्रेय तो दे रहे हैं श्रेय देना बहुत जरूरी है। देखिए, अब मैं सुन रहा था कि मेरे साथी कुछ आधी पकी बातें, पूरी कोई आधी पकी नहीं, अभी उन्होंने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहा, आप उसको गलत बता रहे हैं। हरियाणा में लग चुका है, सरकार वाकई में इतनी संकल्प तरीके से आगे बढ़ रही है स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए, तो फिर क्यों जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भारत पिछड़ता जा रहा है, 122-133वें स्थान पर आ गया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ऐसे जो देश है वो हमसे आगे है। हम जाएंगे आपके पास जी सनवारे जी। अवंतिका जी, आपने दो चीजों को जोड़ दिया, एक हैप्पीनेस इंडेक्स और एक हेल्थ इंडेक्स, दे आर टू डिफरेंट। स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो उससे नहीं, नहीं उससे भी हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं, उसको एक बड़ा टॉपिक है, एक तो एक दिन आप पूरी डिबेट करिए, हैप्पीनेस इंडेक्स एक बड़ा डिफरेंट है। हेल्थ के इंपॉर्टेंट मामले में जो कि हमने कहा कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, आप कंपेयर कर, अभी हमारा बजट हेल्थ बजट, अभी मैंने रिपोर्ट स्टडी की है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हैप्पीनेस इंडेक्स में काउंट होते हैं, और जो भारत के बारे में जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो पिछड़ रही है उसका वजन, उसकी वजह ये है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च ज्यादा होता है और इसीलिए बाकी देशों के मुकाबले पिछड़ रही है, हमारे से बेहतर है पाकिस्तान की। मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा उस बात को, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश का जो मैग्नीट्यूड पब्लिक, 130 करोड़ लोग हमारे पास हैं जिसकी जिम्मेवारी, हेल्थ इज ए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब मैं मानिए कि हमारा खर्चा उस पर 1.5% ऑफ GDP खर्च होता है, जब अमेरिका जो बड़े बड़े डेवलप कंट्री हैं वहां 16-17% तक खत्म हो जाता है। अब क्या किया जाए,
कोई भी कंट्री अगर हेल्थ को परफेक्ट तरीके से दे, अमेरिका हैज फेल्ड, वो उनके राष्ट्रपति ने अमेरिका यही है जो नरेंद्र भाई मोदी ने, अब ये जेनरिक मेडिसिन की बात चली, जो 1000 रुपए की दवाई अगर 150 रुपए में मिल जाती है, वो जेनरिक की दवाइयां अब अमेरिका प्रगतिशील देश है और सबसे बड़ी बात ये भी है अगर बात करें तो विकसित देश है, अब वहां भी जो है लाइफस्टाइल में योग शामिल हो चुका है, तो कल्चरल डिप्लोमेसी में अगर मान्यता मिली है मोदी को, ये आप जुटला नहीं सकते इसको। कुछ समय के लिए आप हरियाणा में आ जाते हैं अमेरिका को छोड़ करके, मैं नहीं, ये अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम होता है तो हरियाणा की बात तो करेंगे ना सर, तो मैं वही तो कर कल्चरल डिप्लोमेसी में मान्यता मिली है आपसे मोदी को, अगर आप मेरे अनुसार नहीं कह रहे हैं चलने की, मैं अभी जवाब दीजिए ना सर, मैं कब कह रहा हूँ आप प्रचार कीजिए, योग का प्रचार आप नहीं करना चाहते हैं, आपके नेता योग करते हैं दिखाई नहीं देते, मोदी करते हैं या उनके मंत्री करते हैं, तो इसमें दिक्कत आपको इसको राजनीतिक बनाया क्यों, ये तो मुद्दा है हमारा, यही तो मुद्दा है, बना रहे हैं योग मोदी को दे करके। ये तो आप मानेंगे कि अभी जो केंद्र सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार है, वो स्वास्थ्य सेवाओं की भी अगर हम बात करें, योग को तो पहचान दिलाई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्वीकृति, तो मैं स्वास्थ्य में तो आ रहा था आपको, अब मैं मोदी के जयकारे कैसे लगाऊं, मैं ये पूछना था, तो लगा दो, ये एम्स हरियाणा में लगा दो, बता दें कितने खोले, कितने पीजीआई करे हरियाणा, आप बताइए हरियाणा में एक आदमी अगर बीमार होता है उसको पीजीआई चंडीगढ़ आना पड़ता है, मैं ये पूछना था एम्स एम्स पर 2 कोर्ट के कहने पे आ रही है, सरकार ने कहने पे, अब मैं क्या यही बता रहा, आप ले आए झूठ, आप सरकार ने इंकार किया, आपकी सरकार में आए क्या, बादशाह में आया, मैं कह रहा हूं देखो आप इन्होंने रोक दी, मैं इसी पे लेना चाहता था आपको, ये रविंद्र गुलजी भी इसको आइडेंटिफाई, जो एम्स पार्ट 2 बनाया हरियाणा में पिछले 10 साल में उसमें उसका निर्माण हुआ, इस 4 साल में इन्होंने क्या किया, उस एम्स तक हमने सरकार में कितना बजट दिया गया, आप ये बताइए आपकी सरकार में कितना बजट दिया गया हरियाणा में, देश में बताइए आप, किसके स्वास्थ्य को सारा या, सारे क्या स्वास्थ्य का अधिकार आपने दिया, ये लोगों ने ध्यान भटकाने के लिए तो योगा लेके आए, ये जो आपने 1.5% बताया जीडीपी का, ये स्कोर कम लेकर के आए, बाल शर्मा जी जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की तरफ देख रहे थे लोग, बराक ओबामा ने क्या बयान दिया था, ध्यान होगा आपको, क्या बयान दिया था बराक ओबामा ने, उन्होंने कहा था सबसे जो है भारत की स्वास्थ्य सेवा जो है, उन्होंने कहा था कि मैं अपने देश के लोगों से आग्रह करता हूं, उनसे आह्वान करता हूं कि मेक्सिको और भारत ना जाए स्वास्थ्य के लिए, हम बराक ओबामा के मोहताज नहीं है, आप बताइए बजट कितना खर्च किया स्वास्थ्य को लेकर कांग्रेस सरकार, ये तो ये बताइए बीजेपी, आप बताइए ना, अच्छा मोदी की बात, सारी बात छोड़ दीजिए, मोदी की सारी बात छोड़ दीजिए, आप ये बताइए, ठीक है ये बताइए ना, स्वास्थ्य का अधिकार दिया आप दोनों पार्टियों ने, किसी स्वास्थ्य का दिया, हमने दिया ना, देश की आजादी लड़ी ना, कांग्रेस से लड़ाई बलिदान, आप कहां से जवाब नहीं आपके पास, आपके पास जवाब नहीं है, आपका जवाब नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, बोलिए नीलम जी, जो स्वास्थ्य सेवाओं में एक जो चीज जो थी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उसको ऐड करना चाह रही थी कि अभी जो हमारे जो है ना ये कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो गांव में खुले हुए हैं, ई सेवा केंद्र या अटल सेवा केंद्र हम कहते हैं, उसमें एक सुविधा है जो उनको सॉफ्टवेयर मिला है टेली मेडिकेशन की, मतलब वो महिलाएं या कुछ जो बच्चे शहरों में नहीं जा सकते या हेजिटेट करते हैं किसी को अपनी परेशानियां बताने के, वो उन सेंटर्स पे जाते हैं, अपनी बात डायरेक्टली ऑनलाइन जो है डॉक्टर्स के साथ करते हैं और उनके पास दवाइयां उसी सिस्टम के थ्रू पहुंच भी रही हैं,
तो बहुत सारी हमारी महिलाएं जो बहुत सारी परेशानियां डॉक्टर्स के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, वो टेलीमेडिकेशन के हेल्प से भी अपना स्वास्थ्य ला पा रही हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं जो पहले किसी के पास नहीं पहुंच रही थी, वो आज इस तरीके से भी हमारे पास कोई भी मीडियम हो, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, हम हर तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो। सरकार खुद मानती है 14 लाख डॉक्टरों की कमी है देश में, सरकार खुद मानती है बात, बिल्कुल, इसलिए नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं हरियाणा में इस वक्त, बाइक निकल रहे हैं कहां है वो, एक बार बात करते हैं फिर वही बात की पुरानी सरकारों की बात आ जाएगी, लेकिन क्या कांग्रेस के कार्यकाल में क्या उन्होंने सब चीजें दुरुस्त कर दी थी, पूरी जो है हमारी हाईटेक सुविधाएं आजादी के समय सुई सुई बना दी आपने, बस इतना कितना करप्शन था देखिए, बिल्कुल एक बड़ा स्पष्ट रूप से मैं बताता हूँ कि ये जो हेल्थ जो है, हेल्थ की समस्या आज से नहीं है, जब से आजाद हुआ है ये देश तब से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस के समय पे भी, जिसे हम कहते हैं ना कि हेल्थ बजट, यूनियन हेल्थ बजट, उस टाइम पे भी नीचे गया था 2014-15 में, आपको ध्यान हो तो 20% की कमी की गई थी उस समय पर हेल्थ बजट में। आज जिस प्रकार इस साल इन्होंने हेल्थ बजट के अंदर कमी की है, कमी नहीं, इंप्रूव किया हुआ है, आप बताएं फिर 5 लाख पर फैमिली जो इंश्योरेंस है, अरे वो मूर्ख बनाने की स्कीम है, मतलब आप ऐसे किसी योजना को आप मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, आपको आयुष्मान बीच में नहीं बोलेंगे, अरे बीच में जरूर बोलेंगे, मेरी बात में बीच में बोलना ही बोलना है, कांग्रेस के लिए तो कह रहे हैं बीच में बोलना ही बोलना है, हमारे बीच में व्हाई आर यू इंटरेस्टिंग, कैसे कितने रुपए एलोकेट किए और कितने लोगों को इंश्योर किया, मैं देखता हूँ इनकी सच्चाई, आप बीच में बोलेंगे तो ठीक है, नहीं आप हर जगह बीच में इंटरप्ट करेंगे, giving the answer, just wait, देखिए पहले अगर आप बजट को, पर मेरे को फिगर चाहिए, आई डोंट वांट, आपके टुकड़े नहीं फिगर चाहिए, कितने लोगों को इंश्योर करेंगी, कितने रुपए में इंश्योर करेंगी, चुप तो हो जाओ, मेरे पास है, नहीं आप बोलेंगे बस, आप बीच में बोलिए, आप फिगर बताइए, मैं भी फिगर बताऊंगा, मेरे पास है, बजट के साथ टैली करें 12,000 करोड़ रुपया तो एट प्रेजेंट हमने रखा हुआ है। दूसरा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज को इसमें हायर करेंगे और वो और उसका 6 महीने देखिए, पहली बात तो ये बजट पे हमने रखा हुआ है, दूसरा हम इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इसमें जो है स्टेट और सेंटर वो उसका प्रीमियम देंगे, दूसरी बात, तीसरा इसके लिए जो लोकेलिटी में जो लोग जहां रह रहे हैं उनके आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं काफी आइडेंटिफाई भी हो गए और प्राइवेट सेक्टर्स के साथ भी उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि उनको आइडेंटिफाई करके वो अपना इलाज वहीं पे करवा सके। ये सारी चीजें जो है ये करीबन 5 स्टेप्स में ये काम होगा और उसके हिसाब से टोटल कैशलेस है, किसी को कुछ नहीं देना है, हर एक परिवार के पास 5 लाख का है और इस हिसाब से आगे आगे 50 करोड़ का पहली बार हम एक 2,000 करोड़ का, ये इनिशियल है, इनिशियल 12,000 करोड़ का रखा है, इनिशियल है और इसको इंक्रीज भी किया जाएगा, इसको आपकी मदद करें मैडम कंवल जी, मैं इसको पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर उठा के जो आयुष्मान भारत की बात है, मैं एक डॉक्टर होने के नाते बता देना चाह रहा हूँ कि चलो मैं बड़ा ही नहीं करूंगा, मेरे दोस्त कहेंगे कि कोई आप तो ये बीजेपी की बात नहीं, कर रहे हैं, आप है आयुष्मान भारत सुनिए, देखिए हेल्थ केयर 3 स्टेज की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है
वो जो वेलनेस सेंटर 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनेंगे, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर है जिसके लिए प्रावधान किया हुआ है। प्रावधान कितना 2000 करोड़ रुपया जो आवंटित किया है, उसके ऊपर 1% ऑफ इनकम यू हैव ऑलरेडी पेड द मनी टू द गवर्नमेंट, और 15,000 करोड़ रुपया अब इंडियन गवर्नमेंट के कोफर में आयुष्मान भारत के लिए रखा हुआ है, तभी वो जोर से कह सकते हैं कि 15 दिन में पेमेंट करूंगा मैं। और वो दावे बहुत होते हैं, लेकिन दुख तब आता है जब 4 महीने की तरीशा को 2023 तक का इंतजार करना पड़ता है अपनी दिल की बीमारी के इलाज के लिए एम्स में। सर वो देखिए ना, आप डॉक्टरों की कमी है, संसाधनों की कमी है, उस पर आप ध्यान नहीं देते, आप योजनाओं का नाम लेकर सिर्फ विपक्ष को जवाब दे देते हैं, जनता को बरगला। डॉक्टरों की कमी है 100% मैं मानता हूँ उस बात को, और उसी लिए अब ये डिस्ट्रिक्ट, मैं हरियाणा की बात कर लेता हूँ, सारे राष्ट्र की बात थोड़ी बड़ी होगी, अब 22 मेडिकल कॉलेज की बात, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज खोलना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि फैकल्टी देना, पैसा दे सकती है गवर्नमेंट बट फैकल्टी देना उनको पढ़ा। अब देखिए एम्स में क्या किया फैकल्टी के लिए कि जो बच्चा पास हुआ डायरेक्ट उसको फैकल्टी में ले रहे। तो ये एक डेवलपिंग नेशन है, बहुत मुश्किल समय से सरकारी अस्पतालों के जरिए होगा काम, सरकारी अस्पतालों पर क्या निर्भर है क्या, सरकारी हमारे पास सिर्फ मेरे पास इस वक्त देखिए, अब हम इसकी प्रॉब्लम हमें पता है, करीबन अब 10.74 करोड़ फैमिलीज, उसमें 5 मिला लीजिए तो 50 करोड़ फैमिलीज को चाहिए। हमारे पास बेड कितने हैं 15.80 लाख, सारे हिंदुस्तान के बेड मेरे अस्पताल का इनके अस्पताल का मिला लीजिए, लंबा प्रोसेस मानते हैं, ये बहुत ही बिगनिंग के लिए बात हो रही है। अभी 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 मोदी सरकार की ओर से देश भर के लगभग 20 लाख जो अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, क्लिनिक है, डायग्नोस्टिक लैब है और स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उनकी जनगणना जो है वो कराई जा रही है ताकि सुधार जो है वो हो सके, और सितंबर तक का समय दिया गया है कि इसमें इसकी जो रिपोर्ट है वो सौंपनी है। नहीं लगता इस सुधार की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है? देखिए ये सुधार एक जनरल प्रक्रिया है, अच्छी बात, हम स्वागत करते हैं, अगर इस प्रकार का काम करेंगे हम इसको विरोध नहीं कर रहे हैं। समस्या जहाँ पर आप ये देखिए फिर चैलेंज दे रही है आप, क्या बीच में जरूर इंटरप्ट करेंगी मैडम, देख मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा हम इनका स्वागत करते हैं, लेकिन मेरी मेरी बात का अभी भी उत्तर नहीं मिला। मैंने बिल्कुल एक स्पष्ट रूप से कहा था कितने करोड़ लोगों को आप इंश्योरेंस देंगे और कितने रुपए इसके अंदर, नहीं नहीं एग्जैक्ट चाहिए मेरे पास भी करा है, आपका झूठ यही बताऊंगा मैं, एग्जैक्ट बताइए फिर बताइए पर पर्सन कितने रुपए की आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट है, फिर बताऊंगा किस प्रकार झूठ बोल रही है ये सरकार। पर पर्सन जीरो है, किसी भी आदमी किसी भी इसमें जीरो कैसे मैडम, ये टोटल पेमेंट स्टेट और सेंटर की तरफ से 40 और 60 के रेशियो में दी जाएगी, पर पर्सन सरकार कितना देगी, टोटल कैश, अरे लोगों ऐसे नहीं कह रहा मैं, सरकार कितना देगी पर पर्सन, ये पूछ रहा हूँ सेंटर और स्टेट के, अरे कितना देगी वो पैसा ही तो पूछ रहा हूँ, 5 लाख रुपए वो नहीं, ये ज्ञानवर्धन साधारण सा सवाल है, आपके पास जवाब हो तो मैडम कितना प्रीमियम देगी सरकार, सिंपल बात अप्रोक्सीमेटली 1200 है, उसमें कुछ वेरिएशन हो सकते हैं लेकिन वो पूरा सरकार 1200 पे पर्सन 60,000 करोड़ रुपए और 60,000 करोड़ रुपए की टोटल एलोकेशन नहीं है ये
पूछना चाहता था जो संक्षेप में बोलेगा सर, हाँ संक्षेप में सर्वारिया साहब मेरा मेडिकल कॉलेज अभी तक 3.5 साल में हरियाणा में इन्होंने कितने बनाए, प्रपोजल पे बात नहीं करेंगे, अभी तक 3.5 साल में कितने बनाए, बस यही ये बताइए आप कितने मेडिकल चलिए आप जो सवाल करेंगे उनके जवाब से संतुष्ट भी शायद ना हो और शायद ऐसी स्थिति भी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं बुरा हाल है, इससे कोई दो राय नहीं है, प्रोसेस चल रहा है, कब तक चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, योगा भी है और योग जरूरी भी है, आज आप भी कीजिए, सभी कीजिए, हम तो कहें कि नेता भी करे, विपक्ष भी करे, सत्ता पक्ष भी करे, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं तो खराब है आज, लेकिन कोशिश यही कि आने वाले समय में ये ठीक हो जाए। बिल्कुल, लेकिन हैरत की बात ये भी है कि गरीबी रेखा से नीचे जो देश में लोग रह रहे हैं वो अपनी जमीनें तक बेच के जो है इलाज उन्हें कराना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इसमें बदलाव जो है, एक तस्वीर बदलती हुई जरूर नजर आएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।